नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G वाले वेरिएंट के बारे में। तो ये है मेरे पास सैमसंग का गलेक्सी S20 FE 5G। दोस्तों इस फ़ोन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों इस अपडेट को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो दोस्तों मैंने सोचा पहले इसको यूज कर लूँ, इसको देख लूँ, तब इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। दोस्तों देखिए जो अपडेट दोस्तों उसकी बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों Android 13+1 UI 5.0 का, जैसे कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए लास्ट अपडेट दोस्तों हमारा 1 UI 5.0 और Android 13। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे इसमें लिख के आए हैं, तो दोस्तों मैंने सोचा पहले इसको मैं यूज करके देखता हूँ, फिर आपको इसके जो दोस्तों कॉन्स और दोस्तों जो अच्छी बातें होती हैं वो सब मैं आपको बता सकूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें काफ़ी सारे जो वो होते हैं अपडेट वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों देखिए कितनी सारी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है दोस्तों, ये सब हमें इसमें देखने को मिला था। और साइज़ की बात करूँ तो 2 GB के समथिंग का ही अपडेट था, और सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों 1 नवंबर का, जबकि दोस्तों दिसंबर का एंड होने वाला है। फिर भी तो दोस्तों इसमें हमें क्या चेंजेस हो गए मिले, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब आप इसको स्लाइड करोगे नीचे की तरफ, हमारा नोटिफिकेशन जो बार होता है ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन हो चुकी हैं पहले के मुताबिक। ये देखिए और दोस्तों एक दो जो सिस्टम होते हैं वो इसमें ऐड हो चुके हैं, जो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर आने वाला है ये वाला प्रोटेक्ट बैटरी वाला दोस्तों, जिसमें आप अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन को रात में चार्ज में लगाते हो तो दोस्तों आपकी बैटरी सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों और भी कई सिस्टम फंक्शन हैं जो हमें सेटिंग का देखने को मिले हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो चेंज हो चुकी हैं। बट दोस्तों इस अपडेट से जो फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है कि अपडेट जो आते हैं उससे फ़ोन में जो चेंजेस होते हैं वो तो आते ही आते हैं, बट थोड़े दोस्तों कमियाँ भी आ जाती हैं। तो कमियाँ की बात करूँ दोस्तों, तो इस अपडेट को इस फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमारे फ़ोन में जो बैटरी का लेवल है दोस्तों, बैटरी कि जो हेल्थ है दोस्तों उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जो ये फ़ोन दोस्तों पहले एक अंदाज़ा मैं आपको बताता हूँ कि अगर 7 घंटे का बैकअप देता था, तो अभी दोस्तों उसमें करीब आधे घंटे का टाइम कम हो चुका है, तो ये बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। क्योंकि ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है जो दोस्तों पहले के मुताबिक काफ़ी पावरफुल है, तो बैटरी उतनी ज़्यादा नहीं चलती है जैसे पहले चलती थी, थोड़ी इसमें इशू आ रहे हैं। शायद एक और अपडेट आए इसके बाद कोई, जिससे ये बैटरी की परेशानी दोस्तों को ठीक हो सके। बट स्मूथनेस के मामले में बात करूं दोस्तों, तो इस फ़ोन में इस अपडेट को करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम जी स्मूथ चल रहा है और कोई भी लैगिंग नहीं कर रहा। और थोड़े बहुत चेंजेस हैं दोस्तों कैमरे में, जैसे दोस्तों आप कैमरा यूज़ करते हो तो दोस्तों कैमरे में थोड़े पहले के मुताबिक थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन इसमें आ चुके हैं, और कैमरे की दोस्तों क्वालिटी पहले के मुताबिक और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। बाकी सब दोस्तों सेम पहले जैसा ही है, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन चेंज हो जाएगा, फ़ोन दोस्तों वैसा ही रहेगा जैसा होना है, बट कुछ जो फंक्शन होते हैं वो चेंज होकर मिलते हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों 2 GB का अपडेट था, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी दोस्तों हमें इसमें Android 13 का अपडेट मिल चुका है, दोस्तों ये एक अच्छी बात है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।